खबर है इस वक्त रीवा से, जहां एक बार फिर शहर के बीच गाय का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे हैं और आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल गाय का कटा हुआ सिर मिलने का यह मामला शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नारायण चक्की के समीप का है, जहां नाले के किनारे प्लास्टिक की बोरी में गाय का कटा हुआ सिर देखा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे हैं और घटना को लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र नारायण चक्की के समीप अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गाय की निर्मम हत्या कर कटा हुआ सिर नाले में फेंका गया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन प्रकाश में आ रही हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस जरा भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। इस घटना से आक्रोशित संगठन के लोगों ने कार्रवाई न होने से नाराज होकर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है और गायों की निर्मम हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और नगर निगम को सूचित कर नाले में पड़े गाय के सिर सहित अन्य अवशेषों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं नहीं वो नहीं पता, वो बोरी में समेटते बाजू में, वो बोरी है ना, वो पड़ी है, पड़ी है। उसी में भर लो, उसी में भर लो, उसमें भी है कुछ, भर लो, भर लो, उसी में भर लो बेटा। ए भैया, ए आई पाँच लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में आज सामाजिक लोगों के द्वारा जगन्नाथ मंदिर के जस्ट पीछे यह जानकारी मिली कि गाय का आधा कटा सिर प्राप्त हुआ है। बड़े ही दुख का विषय है कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। जब ईद का त्यौहार आता है, मुहर्रम का त्यौहार आता है, जब ये त्यौहार आते हैं तभी गाय क्यों काटी जाती हैं, और आज अभी पिछले दिन मुहर्रम का त्यौहार था और आज गाय का कटा सिर मिला है, गाय की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। अभी पिछले दिन आपने देखा है कि मुक्तिधाम में जो मंदिर है लक्ष्मणबाग में, वह एक कुत्ता
मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया गया था। मंदिर तोड़ दी गई है। आखिर हिंदुओं के आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है? ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और आज गाय का आधा कटा सिर प्राप्त हुआ है। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं प्रशासन से और सबसे ये आग्रह करता हूँ, समाज से भी आग्रह करता हूँ कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रशासन यदि सोया हुआ है तो जाग जाए, नहीं तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ पे प्रकाश हॉस्पिटल चौराहे में चक्का जाम किया है। और अगर इसमें प्रशासन नहीं जाएगा तो पूरा रीवा भी बंद होगा। अभी आप लोगों के अभी हम लोगों को यह आश्वासन मिला है कि गौ हत्यारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैडम ने अभी समय मांगा है, अगर इस समय के अंतराल में अगर गौ हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है, नहीं सजा होती है, तो बजरंग दल पुनः बृहद आंदोलन करेगा जगन्नाथ मंदिर के पीछे। कुछ मामले हैं उनके, वो हमने बोला है कि अभी आप डिस्कस करें, हमको जानकारी नहीं थी उनके किस मामलों को लेके वो लोग कर रहे हैं। कुछ मामले हैं जो वो बता रहे हैं, तो प्रॉपर बैठ के हम थाने उनको बोले हैं कि आप बैठें प्रॉपर और बताएं कि आपकी समस्या क्या है और उन समस्याओं की जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सब करेंगे। मैम पहले भी कई जगह पकड़े गए, उक्त घटना की पहले कोई जानकारी नहीं है, वो जिस विषय में बात कर रहे हैं उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक की घटना पुष्टि नहीं होती है, वास्तविक घटना सामने नहीं आती है, तब तक किसी विषय में कहना सही नहीं होगा। तो अभी पहले हम बैठ के उनको बात करते हैं कि वो क्या समस्या उनकी प्रॉपर है और जो मामले हैं उनमें भी क्या है, जो सत्यता है उसकी पुष्टि करने के बाद ही उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो उनको समझाइश दी और उन्होंने सबने सपोर्ट भी किया है इस बात का और वो हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्या है हम उनको सुनेंगे और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जाम खुल गया।